त्रिपुरारी जी जी, आपका हमारा जौनपुर.com पे स्वागत है। आपने किताब लिखी है जौनपुर का इतिहास जी, हम जानना चाहते हैं कि उसको लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारे ग्रैंडफादर थे जी, वो हमको पुरानी कहानियां खानदान की यहाँ की बताया करते जी, समझा आपने जी, इससे मेरी उत्सुकता बढ़ी और हमने तब से काम शुरू किया। हाँ। अच्छा, आपका जन्म कहाँ हुआ, अपने बारे में कुछ बताएं? जौनपुर में हुआ है। जौनपुर में? हाँ। और शिक्षा दीक्षा सब? सब जौनपुर, बीए तक तो जौनपुर में हुआ है जी। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी गया एमए लॉ करने के लिए जी, बनारस यूनिवर्सिटी गया जी, वहाँ से आपने एमए किया। और उसके बाद फिर नौकरी? उसके बाद नौकरी में आ गए जी। तो क्या किस पद पर थे? पहले दो साल हम टीचर रहे जी, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हुआ जी, तो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे जी। हाँ जी। और कहाँ कहाँ पोस्ट रहे, कहाँ कहाँ काम किया? सबसे पहले मेरी पोस्टिंग गोरखपुर में हुई थी जी, उसके बाद मैं वहाँ से जौनपुर आया जी। वो हमारे मंत्री जी स्वर्गीय श्री रऊफ जाफरी साहब जी, वो काबिल आदमी थे, वो सूचना मंत्री भी थे जी, वो हम जानते थे कि हम राइटर भी हैं जी, लिखते हैं, खोजबीन भी करते रहते हैं जी। उन्होंने कहा चल करके जौनपुर के अंदर स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों का जी बेटा कलेक्शन करके तुम उनको भी निकालो जी, जिससे कि मालूम हो कि जौनपुर में कोई मामूली आदमी नहीं रहते हैं। सही है। मैं उनको जौनपुर ले आए। उस वक्त से मैं जौनपुर में दौरे में जाता था, ढूंढता था इन लोगों को, सारी लिस्ट मैंने बनाया जी, और सारी लिस्ट बना, कई साल लग गए हमको जी। फिर उसके बाद हमने कहा कि ऐसे लोग कह देते हैं कि हम भी थे, तो हमने सारे रिकॉर्ड को ले करके जौनपुर में हम आए, शहर में कलेक्टर से मैंने बात किया जी, कलेक्टर साहब से, और फिर जेल के रिकॉर्ड्स को देखने की कोशिश की मैंने जी, जेल का रिकॉर्ड्स मैंने निकाला और उसमें मिला करके जी 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 जो एक्चुअली सजा पाए थे जेल गए थे जी, उनको मैंने निकाला। तो ये लिस्ट आपकी जौनपुर का इतिहास में है? हाँ, ये पूरा आपने डाला है। बता रहा हूँ, उस वक्त जब मैंने आई वॉज द फर्स्ट मैन, पहला आदमी हूँ मैं जिसने की इस तरह से ये काम जिले वाला मैंने किया जी, जी। बड़ा प्रशस्ति पत्र मिला मुझे इस एज के अंदर जी, मनेश्वर साहब ने भला करके मुझको इज्जत दिया जी, और तब से शुरू हुआ लिखने का। लेकिन और जिलों के अंदर लोग अपना क्या लिखे क्या नहीं लिखे जब मैं नहीं जानता, समझा आपने?